हमारे साथ ऐसा हो सकता है, मैं मुझे डर लग रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आज का वीडियो पूरा देखिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज का ऐसा वीडियो है, मतलब ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। क्या मेरे बारे में पूछ रही हैं कि खैलही? यह इनका भाषा है खैलही, मगर इसको मगही भाषा कहा जाता है। जो लोग जानते होंगे तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग नए जुड़ते हैं या फिर जो लोग मगही नहीं जानते हैं, तो उनको बता दूँ कि ये खैलही मतलब कि तुम खाई। मुझे वो पूछ रही है तुम खाई। तो क्या बोल रही थी कि आज का वीडियो ऐसा है, ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ मैं जो कि आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब सोच नहीं सकते हो कि आप लोग हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं, मेरे फैमिली वाले भी कभी भी इन लोगों ने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। बहुत बड़ी बात हो गई थी जो बयां करने में मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ हो जाता तो क्या करते हम, कहाँ जाते, किस किस के पास जा करके बातें करते, किसी के पास बातें भी नहीं कर पाते हम। तो इस तरह से आज का वीडियो ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा अनहोनी होने से बच गया। क्या बोलूँ, अनहोनी कि हमारा ये, मतलब अगर वो कुछ हो जाता, ऐसा कुछ भी बात हो जाता तो क्या बोलूँ आपको कि मतलब जीवन भर गिल्टी फील करते हैं, जीवन भर हमें एक बुरा लगता कि क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कल क्या हुआ, जैसे सुबह मैं तो कल लेट से उठी थी, इनका मेरे हस्बैंड का कल छुट्टी रहता है, जैसे गुरुवार को इनका छुट्टी रहता है, तो मैं क्या की, मैं जैसे लेट से उठती हूँ, पर मेरी बेटी भी कल स्कूल नहीं गई, तो हम लोग सब लोग लेट से ही उठे, और बड़ी बेटी को जाना था, वो ड्यूटी जाती है, तो उसको ड्यूटी जाना था, तो वो भी उठेगी लेट से। इसका मतलब मैं पहले उठने वाली थी, लगभग फिर भी उठी 8:30 के करीब में किसी का फ़ोन आया, तब मैं जा करके उठी, और ये लगभग उठ गए थे, ये उठ करके कुछ कर रहे थे। ये क्या किए, 6 बजे से उठे थे ये, मैं तो लेट से उठी, मेरी बेटी भी बड़ी छोटी वाली बेटी लेट से उठी, पर ये उठे थे सुबह 6 बजे से। 6 बजे से उठ करके जैसे ये उठे, शेरू इनको भौंकना शुरू किया कि बाहर जाना है, वो करता है जब उनको बाहर जाना रहता है। शेरू को दिखाती हूँ कहाँ बैठा है, दिख रहा है आप लोगों को, उसका पैर दिख रहा है, वो इस तरह से बैठा है। तो हम मतलब ये गए, ये इनको भौंकने लगा तो ये लेकर के गए। पूरी कहानी सुनिएगा आप लोग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब हमारा तो जैसे दिल का धड़कन ही रुक गया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लगभग सुबह से लेकर के रात तक, तो इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्या हुआ। जैसे कि ये 6 बजे गए, और 6 बजे शेरू को लेकर के गए। शेरू को क्या होता है ना, हर बार वो लेकर के जाते हैं, और जैसे खड़ा है, ये नज़र पे रखते हैं, ये घूम घाम करके आ जाता है। कल ये इनको कोई मिल गया, जैसे कि कोई दोस्त साथी कोई मिल गया, और बातें करने लगे। ये बातें जब करने लगे तो क्या हुआ, नज़र हट गया कि शेरू कहाँ है, शेरू गायब, शेरू पूरी तरह से गायब, पता ही नहीं चला कहाँ गया। ये पूरे पहाड़ की तरफ घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, जो कि इनके आवाज़ से ये डरता है। अगर ये बोलेंगे लाओ लाओ डंडा लाओ, तुरंत दौड़ के आएगा, पीछे 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 आ जाएगा, पर नहीं, इतना भी आवाज़ दिए बिल्कुल नहीं। मुझे आकर के बोले उठ, शेरू नहीं है। बोले नहीं है, मतलब मुझे लगा कुछ बहुत बड़ा बात हो गया, नहीं मतलब, तो देखो ना 6 बजे घुमाने ले गए थे, ये सोचे आ जाएगा, क्योंकि बीच बीच में ना 2-3 घंटे के लिए गायब होकर के वो आ भी जाता है, तो ये सोचे आ जाएगा, भूख लगेगा आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आया, ये 4 घंटे नहीं आया, 5 घंटे नहीं आया, 6 घंटे नहीं आया। सोचिए आप लोग कि शेरू पे क्या बीत रहा था, कहाँ था, कैसे था, पूरी स्टोरी सुनिएगा। फिर बेचारा के साथ क्या हुआ, जैसे कि ये आकर के मुझे बोले कि देखना थोड़ा घूम के आ जा, उस साइड पहाड़ के उस साइड में बस्ती है, कब्रिस्तान है, बस्ती है, तो ये बोले थोड़ा घूम के आ जा, उस तरफ भी जा सकता है। मैं बोली कि मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उधर इधर मेरी सासू माँ खाना मांग दी, कुट्टू, जैसे कि कुट्टू वो है, कुट्टू भी खाना मांग देता है, तो और बड़ी वाली बेटी का भी टाइम हो रहा था नाश्ता बनाने का, इनका भी लेट हो रहा था, जैसे कि मैं बोली लेट से मैं उठी, तो पता है हड़बड़ाहट हो जाता है, सब लोग एक साथ मांग दिए, तो मेरे साथ वो हो गया। मैं बोली देखिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी अभी, फिर कभी जब टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी। मेरी छोटी बेटी सुबह से लेकर के लगभग जब से गुम हुआ था, सुबह से 4-5 बार जाकर के पहाड़ के इर्द गिर्द पहले घुमाने भी ले जाती थी, यहाँ फैक्ट्री है थम्सअप का, वहाँ तक जाकर के घूम के आई कि शायद ये रास्ता, पर उसका तो जाना पहचाना रास्ता, आराम से वो आ सकता था, बट शेरू नहीं आया।
नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। फिर ये मेरे को बोले थोड़ा जाना इधर उधर, बट मैं कहीं नहीं जा पाई क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस गई, लेट हुआ था। मेरा खाना बनाना सबसे बड़ा बात हो जाता है, मेरा क्या हर कोई का होता है, क्योंकि देखिए हस्बैंड जानते हैं सिर गुम हो गया, बेटी लोग जानती है कि सिर गुम हो गया है, पर बड़ी वाली बेटी को तो ड्यूटी जानती है, उसको तो जैसे भी खाना देना था लेकर के जाती है, खा के जाती है। और मेरी सासू माँ, उनको तो ये चीज़ का सेंस नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे खाना चाहिए तो मुझे सबका ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बोली एक काम करो बाप बेटी, आप लोग जहाँ तक हो सकता है ढूंढो, अगर मुझे टाइम मिलता है तब मैं जा करके देखूंगी। बट टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला, उल्टा जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे 6 बजे गुम हुआ था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजा, जब 1 बजा तो मुझे भी लगा कि अब वो सेरू नहीं आएगा। एक मन में था आ जाएगा, लौट करके आ जाएगा, क्योंकि इसको ना भूख बहुत ज़्यादा लगता है, लगेगा था बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, तो मुझे लगा कि आ जाएगा, बट नहीं आया सेरू, फिर भी नहीं आया, 12-1 बजे तक बिल्कुल नहीं आया। फिर मैं क्या कि सो गई, मुझे कल नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं सो गई, टेंशन था ये जब भी कहीं घूम के आ रहे हैं, मिला रे आया रे नहीं नहीं, मैं भी बोल दे रही थी इधर जाइए उधर जाइए, बट मैं तो नहीं जा पाई। मैं झूठ क्यों बोली बोलूँ कि मैं जा पाई, मैं बुरी तरह से जैसे बोली फंस गई थी। उसके बाद से पता नहीं मेरा तबीयत को क्या हुआ, मुझे ऐसा नींद आने लगा, ऐसा नींद आने लगा कि मैं और मुझसे रहा नहीं है, मोबाइल देखते देखते मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी शाम को, जैसे आपको बताई कि आप लोगों को पता होगा जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं कि लगभग 2-3 घंटे के लिए मैं गायब हो जाती हूँ, मतलब कहीं जाती हूँ ज़रूरी काम से। मैं उठी जल्दी, थोड़ा बहुत काम निपटाई, और ट्यूशन सर आते हैं उनको चाय दी, हस्बैंड को भी चाय दी, और उसके बाद मैं चली गई। मैं गई जब 8 बजा, तब मेरी बेटी फ़ोन कर रही है, छोटी बेटी फ़ोन कर रही है, मम्मी सेरू आ गया। मैं बोली कैसे, कहाँ से आया? फिर मुझे रहा नहीं गया, मैं जल्दी वहाँ से आई तब स्टोरी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये जैसे ये बस्ती साइड गया, ये पहाड़ का उस साइड में बस्ती साइड गया, बाकी जो गली के कुत्ते होते हैं वो इन लोगों को इसको सब मिल करके काटने के लिए दौड़ाया, भगाया इसको, भरपूर ये भागा है दौड़ दौड़ के। उसके बाद साइड से रास्ता है, हम एक बार पहाड़ गए थे तो वो रास्ता हमें पता था, और ब्लॉग में भी मैं डाली हूँ एक बार उस पहाड़ का, पास का ही पहाड़ है, उधर से रास्ता छेन की तरफ आता है, उस तरफ से भागते हुए किसी के गेट पे जाकर के बैठा। गेट पे जाकर के तो सबको अपने जान का, हर कोई का डर होता है, इंसान हो या जानवर हो, ये तो अपने जान बचा करके वहाँ भागा, बहुत लोग बचाए उसको, इसको बचा लिए कि मतलब लग रहा है बाहर का ये कुत्ता है क्या है ये, इसका ना थोड़ा सा भयंकर चेहरा आपको लगेगा, डरावना देखने से लगेगा, क्योंकि ये जाती ही ये है, बुल्ली करके इसको बोलते हैं। ये बेचारा अपना जान प्राण जैसे भी बचा करके ये जा करके बैठ गया किसी के गेट पे। वो लोग क्या करने लगे, बच्चा होगा उनके घर में, कोई भी होगा, डर होगा उन लोगों को, वो लोग क्या किए इस पे पानी पे पानी फेंक रहे। तो फिर कोई कोई बोला है पानी क्यों फेंक रहे हो, वो तो छिपा हुआ है, डरा हुआ है, क्यों उसको ऐसे की कर रहे हो, कोई कोई रोका। बट हमारे ही लाइन के एक है लेडीज़ हैं जो वो कुत्तों को बहुत देखभाल करती हैं, बहुत केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको फ़ोन किया गया, क्योंकि हम उनको जानते हैं, हमारा जान पहचान है, मैं उनको जानती हूँ और मुझे वो जानती हैं, बहुत हमारी बातें भी होती हैं। वो उनको फ़ोन गया, क्योंकि सबको पता है कि वो कुत्ते का केयर करती हैं, उनको फ़ोन गया, बोला रेस्क्यू के लिए भी बुलाया गया, जो होते हैं संस्था होता है ना डॉगी लोग के लिए, उनको बुलाया गया, वो रेस्क्यू किया इसका, इसको दवा दिया, इसको क्या क्या किया, जो भी करना था किया, इसको बचाया। प्लस ये जो लेडीज़ है हमारे लाइन की, वो उनको फ़ोन आया, फिर ये गई तो देख बेटा, उनका बेटा गया, जा करके गाड़ी में बैठा करके लाया, और गेट पे ला करके ये लोग खिलाया पिलाया, इसको इंजेक्शन भी दिया, इसका घाव, इसको घाव देख करके लोग इंजेक्शन दिए, और लोग गुस्सा भी हुए कि कौन लोग रखा था भाई कि इस तरह से बीमार है, बट ऐसा बात नहीं है, इसका इलाज हम लोग करते हैं। ये जब से आया है लगभग, मुझे लगता है ठंडी शुरू होने से पहले ही आया था, और सेरू को क्या कहा जाए, कम से कम 7-8 हज़ार इसमें खर्चा हो चुका है, 7-8 हज़ार तो इसमें खर्चा होता है, इसको बहुत ज़्यादा दवाई हम लोग करते हैं, बट होता है ना कभी कभी थोड़ा सा भी छोड़िए बस ये वापस से बीमारी हो जाता है, तो उस तरह से हो जाता है। वो लोग गुस्सा होने लगे कि किसके घर का है, बट उसकी माँ जो देखी ना, जो लड़का गया, जो जैसे मैं बोली जो हमारा जान पहचान की है, वो देखी तो बोली ये रूबी का कुत्ता है। फिर उसका बेटा बोला अब मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, इसका जान बचाए हम लोग, इसको जैसे भी हम लोग पकड़ के लाए हैं, और मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। ये वो लोग चिकन सूप पिलाए, दूध पिलाए, दवा दिए, इंजेक्शन दिए, जो कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर वो लोग नहीं जानते थे, दे दिए। मेरे हस्बैंड ठीक 7:30 के करीब में उस लाइन से गुजर रहे थे, देखे पट्टा में है मेरा सेरू, क्योंकि वो लोग ना इसको बाथरूम कराने के लिए बाहर लेकर के आए थे, ये देख ली मेरा सेरू, बस तो और क्या था, अब मेरा सेरू देखे और उसको पट्टा से खोलने लगे, और जो लेडीज़ थी उनका बेटा बोला हाँ हाँ ये क्या कर रहे हैं, तो ये मेरा कुत्ता है, आपका कुत्ता है,
तो हाँ ये मेरा कुत्ता है, सुबह से इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, और तुम लेके रखा है। ये भी जानते नहीं थे कुछ भी, स्टोरी जानते नहीं थे। फिर इनको लोग स्टोरी बताए और लेडीज आई, बोली कि मेरे को डाउट था कि दीपक का कुत्ता है ये, लेकिन क्योंकि बेटी लोग को, मेरी बेटी लोग लेकर के दुकान कभी कभी जाती थी, वो लोग देखा है, तो बोली मुझे था कि इसको मैं देखी हूँ दीपक का बेटी के हाथ में, अगर वो दीपक का होगा पक्का आएगा, या फिर कहीं तो पता चलता कि दीपक का कुत्ता गुम हुआ है। पर हम लोग किसी से बोल नहीं रहे थे, क्योंकि इस तरफ से जा करके पहाड़ बस्ती कॉलोनी पार करके फिर हमारे ही लाइन में वापस जाएगा, ये चीज़ हम लोगों ने सोचा नहीं। हमें लगा कि चलो इधर उधर जाएगा, हो सकता है तो पूरा आगे चला जाए, घूम करके हमारे ही कॉलोनी में आएगा, हमारे ही जान पहचान लोगों के पास आ जाएगा, ये पता नहीं था। वो इंजेक्शन जो दी ना, फिर ये ले करके आ गए। इंजेक्शन देने के बाद ये वो लेडीज़ ने लगभग 10 बजे के करीब में हमारे यहाँ बेल बजाया, जो कि 10 बजे फ़ोन आया, ये सब सोच रहे हम लिए हम। जब मैं दरवाज़ा खोली तो वो ही खड़ी थी, मैं बुलाई रिस्पेक्ट दी, ये अंदर आइए, थैंक्स है कि आप मेरे डॉगी को आप केयर की, सबकी ट्रीटमेंट भी की। तो बोली नहीं भाभी, बात ये था ना कि इसको जो डोज हम दे चुके और इसको आप लोग बोल रहे हैं कि इसका इलाज चल रहा था, हाँ हमारा इलाज चल रहा था इसका, तो नहीं डॉक्टर से पूछे थे, डॉक्टर बोला कि हाई डोज हो गया है, इसको 15 दिन के लिए दवा बिल्कुल मत दीजिएगा, और जो लोशन है इसके बॉडी पे जहाँ घाव है उस जगह पे लगा सकते हैं। सारी जानकारी देने के लिए आई, फिर वो बोली कि आप लोग इस तरह से कैसे हो गया, क्या हो गया, सारी स्टोरी बताई गई, वो भी सारी स्टोरी वो बताई, तब हमें जान में जान आया। और मैं उनको बार बार थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी मैं किए जा रही थी, क्योंकि पता ना, देखिए बेजुबान जानवर है, इनको दर्द होता है, ये बोल नहीं पाते हैं। मैं बेजुबान जानवर को बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा जगह मेरे यहाँ नहीं है, सिर्फ दो रूम है, लेकिन दो जानवर को रखी हूँ, जैसे रैबिट है, डॉगी है, रखी हूँ, हमारा तो प्राणी सूख गया था, और ये ना घूम करके आते थे, मैं बाहर नहीं जा पे फंस गई, बट ये घूम कर आते थे, और मतलब हैप्पी, हम लोग हैप्पी हो गए, जब मिला तो हैप्पी हो गए, और थैंक्स बार बार थैंक्स निकल रहा था वो भाभी के लिए कि भाभी आप केयर की, इसके लिए थैंक यू। तो बोली कभी होता है ना, हम इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं ज़्यादा खर्चा कर पाते इस तरह से, इलाज करते हैं बट थोड़ा लेट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम इसका हो जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर उनसे बोली कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा इससे कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो इसका इलाज में लेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है बट लेट हो जाता है, तब तक बीमारी बिगड़ चुका रहता है। तो हमें फ़ोन नंबर दी और बोली कि ये नंबर दो नंबर है, एक मैडम का है और एक हॉस्पिटल का है, ये लोग को कभी भी फ़ोन करके आप बुलाइए, वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट इसका करके जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी अगर हेल्प चाहिए मैं हूँ। डॉगी तो लोगों को मतलब बाहर के, वो कोई ब्रिगेड नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि कौन नया जाति अलग जाति का है, बाहर का कुत्ता है, नहीं, वो गली के कुत्तों को इतना ज़्यादा सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, नहलाना, खाना देना, ट्रीटमेंट जो भी हुआ पूरा करती है, बहुत बहुत अच्छी लगी है। यही हुआ हमारे साथ कल, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, अगर शेरू ना दिखे तो आप लोग भी शायद सवाल कर सकते हैं कि शेरू कहाँ है, क्या है, पर आया है ना बहुत शांत हो गया है, पता नहीं कितने जुल्म सहते हुए, कितनी परेशानियां सहते हुए यहाँ तक आया है, बहुत दुनिया का ठोकर खाया है, बहुत ज़्यादा दुनिया का ठोकर खा खा करके ये शांत हो गया है, पूरी तरह से शांत हो गया है। खाना वाना भी नहीं मांग रहा है, देने से खा ले रहा है बट मांग नहीं रहा है, पानी पी ले रहा है। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।